हेलो बच्चों बच्चों, आज हम करेंगे रिवीजन अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ पूरा क्विक रिव्यू लगाऊंगा कंपनी की बैलेंस शीट का और कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। तो बहुत ध्यान से आज का लेक्चर सुनना है और फटाफट से मेरे साथ रजिस्टर निकाल के आ जाओ। आइए बच्चों, तो आपके साथ सबसे पहले शुरुआत करी जाएगी बैलेंस शीट की, ठीक है ना, कंपनी की बैलेंस शीट की। और कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है बच्चों, वो बनाई जाती है इस तरह के एक फॉर्मेट के अंदर जिसमें चार कॉलम्स बनते हैं। पहले कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम का नाम होता है नोट नंबर, तीसरे कॉलम का नाम होता है कि भाई जो हमारा करंट वित्तीय वर्ष है उसकी फिगर लिखनी है, और चौथा कॉलम बेकार होता है वैसे, जिसमें हम पिछले यानी कि प्रीवियस वित्तीय वर्ष की फिगर लिखते हैं। तो इस तरह से चार कॉलम बनाए जाते हैं बच्चों। अब कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, तो पहले हम आधी बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे, यानी कि पहले मैं आपके साथ फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये एक तरह से समझ लो मेन मेन हेड है, ठीक है। ये क्या है, मेन मेन हेड। बैलेंस शीट में दो ही मेन मेन हेड होते हैं, दूसरा भी बाद में आएगा, हो सकता है यहां छोटा सा कोने में आपको नजर आ रहा हो, इधर मैं बना रहा हूं बॉक्स। दूसरा मेन मेन हेड होता है एसेट्स का, जो अभी हम बाद में आएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर दो होते हैं मेन मेन हेड्स, तो खैर दूसरे वाले को छोड़ो। अब हम ये देखते हैं कि पहले कंपनी की जो लाइबिलिटियां होती हैं, ठीक है ना, आपको सोचना है, बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस है। आप लाइबिलिटी का मतलब तो जानते ही हो ना बचपन से, लाइबिलिटी मतलब कंपनी के लिए बोझ, बर्डन। तो कंपनियों के लिए बोझ क्या है, अब उसमें इंटरनल लाइबिलिटी भी हो सकती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो पहले मोटा मोटा बात को समझना, इंटरनल लाइबिलिटी को एक तरह से शेयर होल्डर फंड कह देते हैं। तो ये मेन हेड होता है जो आप बोल्ड में देख रहे हो बच्चों, दीज आर नोन एज मेन हेड्स, शेयर होल्डर फंड। ये एक मेन हेड है, मेन हेड। नंबर टू, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक मेन हेड है। नंबर थ्री, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये एक मेन हेड है। नंबर फोर, करंट लाइबिलिटी, ये एक मेन हेड है, ठीक है ना। तो चार मेन हेड होते हैं। अब एक एक करके चर्चा करते हैं, देखो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब शेयर होल्डर फंड में पहला आइटम होता है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल का मतलब है कि आपको मैंने शेयर्स की प्रेजेंटेशन सिखा रखी है बैलेंस शीट की, है ना, कि कैसे हम पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, और फिर वो आंसर निकालते हैं। तो जो हमने शेयर्स के चैप्टर में बैलेंस शीट सीखी और जिसमें हम शेयर कैपिटल का आंसर निकालते हैं, ये वही फिगर होती है बच्चों। तो मतलब ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इट इज ऑलरेडी डन, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। तो शेयर कैपिटल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। दूसरा सब हेड होता है, इन्हें सब हेड्स बोलते हैं, सब हेड्स यहां लिख देता हूं। ये सब क्या है, ये सब है सब हेड्स, मेन हेड के अंदरूनी भाग, सब हेड्स। अब रिजर्व एंड सरप्लस, मीनिंग पे जाओ, रिजर्व का मतलब क्या, कि कंपनी अपने पास खूब सारे रिजर्व बनाती है, अभी आगे लिस्ट भी दिखाऊंगा। और सरप्लस का मतलब क्या, कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है। तो हेडिंग का नाम बन गया रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके अंदर कंपनी के हर तरह के रिजर्व आ जाते हैं और कंपनी के हर तरह का प्रॉफिट आ जाता है। तो ये होता है रिजर्व एंड सरप्लस। सी पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है नहीं, बस इसको तो आज ही समझ के खत्म कर दो, कभी इसकी टेंशन लेना मत। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो बच्चों जी, कंपनी किसी शेयर होल्डर से पैसा लेती है,
कंपनी किसी शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो उसे बदले में शेयर्स इशू करती है, और ये शेयर्स इशू करने का मतलब है वो उसको एक चिट्ठी देती है और उसमें उसका नाम लिखते लिखती है कि रामू के पास 100 शेयर्स हैं, और कंपनी साइन कर देती है। तो इसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, इसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन कभी कभी कंपनी पैसा लेती है और शेयर देती है लेकिन किसी का नाम नहीं लिखती, नाम नहीं लिखती, बस कहती है कि 100 शेयर इशू करे, नाम नहीं लिखती। तो जब बिना नाम की चिट्ठी इशू करती है कंपनी, तो इसे बोल देते हैं शेयर वारंट, बस इसे बोल देते हैं शेयर वारंट। तो कंपनी ने जो पैसा शेयर वारंट के अगेंस्ट लिया, कंपनी ने जो पैसा शेयर वारंट इशू करने के अगेंस्ट लिया, आप ये समझ लो ये शेयर कैपिटल का छोटा भाई है, बस ये शेयर कैपिटल का छोटा भाई है बच्चों। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये कौन है? ये छोटा भाई है किसका? शेयर कैपिटल का ही, छोटा भाई ऑफ शेयर कैपिटल। बस ये फर्क होता है। तो बस यहां पे इस डायग्राम को याद रखना, पैसा तो कंपनी ले ही रही है ना, अब अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे तो आप कह दोगे शेयर कैपिटल, और शेयर वारंट इशू कर दे तो आपने अलग हेड बना दिया कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बात एक ही है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, सीधी बात, ठीक है जी। तो ये तीनों हो गए शेयर होल्डर फंड। अच्छा, सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी थोड़ी देर में आऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है, ये भी थोड़ी देर में आते हैं, इसको अलग से समझेंगे। बाकी 3 और 4 तो कुछ है ही नहीं बच्चे, ये तो नर्सरी के बच्चे यहां पे करते हैं। ये गोपू यहां खड़ा है वो हंस रहा है मुझे देख के, कह रहा है ये क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को। मैंने कहा बताओ बच्चे बेवकूफ है तो मैं क्या करूं। नॉन करंट लाइबिलिटी, भाई नॉन करंट लाइबिलिटी का सीधा सीधा मतलब क्या है? लंबी अवधि की लाइबिलिटी। नॉन करंट का मतलब क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली लाइबिलिटियां, ठीक है ना, लंबी अवधि की लाइबिलिटी। अब आमतौर पे लंबी अवधि माना जाता है 12 महीने से ज्यादा को, आमतौर पे 12 महीने से ज्यादा को कहते हैं लंबी अवधि या लॉन्ग ड्यूरेशन। तो अब देखो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होंगी हमारे लिए, ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके तो नाम में ही आंसर है, नाम में ही दे रखा है, लॉन्ग टर्म लंबे समय की बोरिंग करी। तो इसका जैसे एग्जाम्पल होता है डिवेंचर इशू करती है कंपनी, है ना, डिवेंचर इशू करती है, या कंपनी बैंक से लोन लेती है, कुछ भी ले लो। 12 महीने से ज्यादा की बोरिंग को लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं बच्चों, सिंपल। बी डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ये सीबीएसई ने क्लियर कर रखा है कि इट इज नॉट टू बी एग्जामिन्ड इन क्लास 12th, ये लो इसे काट दो, ये हो गई कोर्स से बाहर। सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब है कि भाई कई बार हम बोरो नहीं कर रहे पैसे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लंबी अवधि की लाइबिलिटी हो सकती है। हमने बोरो नहीं करा, हमने उधार नहीं लिया, बोरो करते तो ऊपर था, बोरो नहीं करा लेकिन कोई लंबी अवधि की लाइबिलिटी है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब इसके बारे में सोचो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, भाई हम डिबेंचर होल्डर को कह रहे हैं कि हम तुझे 5 साल बाद पैसे वापस करेंगे, और 5 साल बाद तुझे एक्स्ट्रा पैसे वापस करेंगे, 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है ये एक्स्ट्रा 10 रुपए, और 5 साल बाद वापस करेंगे, तो इसको हमने नाम दे दिया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इसमें और भी कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब आप सिंपल कॉमन सेंस चलाओ, रटना नहीं है, कॉमन सेंस। आपको अगर लग रहा है कि ये कंपनी के लिए कोई लाइबिलिटी है 12 महीने से ज्यादा की, तो ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस तो नाम में दिया होगा, प्रोविजन नाम में दिया होता है कि प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर वो, प्रोविजन फॉर फलाना, प्रोविजन फॉर ढिमकाना, आपने सुन रखे हैं। जैसे आपने सुन रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपने सुन रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपने सुन रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने सुन रखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर कुछ भी। तो
प्रोविजन तो नाम से दिया होता है कि भाई इट इज अ प्रोविजन। हाँ, अगर वो प्रोविजन कंपनी के लिए 12 महीनों से ज्यादा का है तो उसे बोल देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसमें आमतौर पे बहुत ही कम एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, क्योंकि प्रोविजन्स कंपनियां 12 महीने से ज्यादा का बनाती ही नहीं है, एक आधी को ही होता है। जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 10-15 साल बाद ग्रेच्युटी देती है, उसका पैसा देती है, तो उसके लिए कभी कभी कंपनी प्रोविजन बना लेती है कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ये एक उदाहरण हो सकता है बस, हालांकि ज्यादा इसके एग्जाम्पल है नहीं। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, क्योंकि ग्रेच्युटी भाई बच्चों ऐसा तो नहीं है कि ग्रेच्युटी अगले महीने देनी है, ग्रेच्युटी तो 15 साल बाद देनी है, तो उस प्रोविजन को हम कह सकते हैं कि ये लंबी अवधि का प्रोविजन है ना, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट, ऐसा कुछ। उसके बाद चौथा मेन हेड है करंट लाइबिलिटी। अब बताओ, आप बताओ, गोपू हंस रहा है, गोपू कह रहा है 12वीं के बच्चे को करंट लाइबिलिटी सिखा रहे हो। अब गोपू क्या करें, बच्चे नालायक हैं तो क्या करें। करंट लाइबिलिटी तो बच्चा गली मोहल्ले में तब से जानता है जब से उसने ABCD सीख ली थी। 12 महीने से कम की अवधि की लाइबिलिटियों को करंट लाइबिलिटी कहते हो आप, है ना, सिंपल। अब उसमें क्या हो सकता है, देखो ऊपर थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो यहां हो गई शॉर्ट टर्म बोरोइंग, है ना। आपने आपने मान लो बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है, या मान लो आपने कुछ भी ले रखा है, मैं तो कह रहा हूं कोई भी लोन ले रखा है 12 महीने से कम का ले रखा है शॉर्ट टर्म लोन, तो वो सीधा सीधा एक तरह से हमारे लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, दैट्स इट। ट्रेड पेबल्स, अब ट्रेड पेबल कोई सिखाने की चीज है, 11th में ही बच्चे को सिखा देते हैं कि जितने भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं और जितने भी हमारे बिल्स पेबल होते हैं उनको इकट्ठा करके कहा जाता है ट्रेड पेबल्स, तो ये भी करंट लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा भी बच्चों कुछ अदर करंट लाइबिलिटी हो सकती हैं। हमने किसी से उधार नहीं ले रखा, हमने किसी से बोरो नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी कुछ अदर करंट लाइबिलिटी हो सकती हैं। जैसे भाई क्या पता कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, जैसे मैंने अभी तक 1 महीने की सैलरी पे नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, तो ये भी मेरे लिए है तो करंट लाइबिलिटी ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। या मान लो मैंने किसी से कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया, है ना, तो इसको भी तो मैं बोलूंगा ना कि इट इज माई लाइबिलिटी, अनअर्नड इनकम, पैसे पहले ले लिए और अभी महीना हुआ नहीं मेरा कंप्लीट। तो इस तरह की भी कुछ अदर लाइबिलिटियां हो सकती हैं जिन्हें हम अदर करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो भाई नाम से ही क्लियर है, इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं छोटी अवधि के, जो भी मैं आगे आपको दिए दिखाऊंगा भी हालांकि कि ये क्या होते हैं ना, तो इस पर भी अलग से वैसे चर्चा करेंगे, तो इस पे अलग से चर्चा करेंगे, इस पे अलग से चर्चा करेंगे, बाकी इसको भी एक बार दिखा दूंगा, अलग से चर्चा करेंगे। अब बचा क्या इसमें, खत्म। तो कंपनी की लाइबिलिटियां ये होती हैं, इसको बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो भेजो आज का पहला थम्स अप इक्विटी एंड लाइबिलिटी के नाम का। ओके, ठीक है। अब सर एसेट्स के बारे में बताओ, तो एसेट्स के बारे में तो बच्चों मैं कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि एसेट्स के बारे में आपको सब आता है। तो दूसरा मेन मेन हेड है एसेट्स, तो एसेट्स के अंदर तो बच्चों सिर्फ दो ही मेन हेड होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट और एक होते हैं करंट एसेट। अब इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको सिखाई पढ़ाई जाए, 11th में सब बच्चे 11th पास कर चुके हैं। तो नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं, जो या तो हम लंबी अवधि के लिए रखते हैं, जिन्हें पर्पज नहीं है बेचा जाने का, बस उन्हें बोलते हैं नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट कौन से होते हैं, जो आम तौर पे 12 महीने के अंदर अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उन्हें बोल देते हैं करंट एसेट। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट जो ये मेन हेड है, इट इज अ मेन हेड, इसमें दो मेन हेड्स हैं, ये और करंट एसेट। तो अब देखो आप, लंबी अवधि के एसेट्स कौन कौन से होते हैं सोचो, वेरी सिंपल। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड में आ गए टेंजिबल, जिन्हें आप देख सकते हो, ये आपको आता है बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर फलाना प्रिमाइसेस ये वो। इनटेंजिबल एसेट,
जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूले एटसेट्रा। तीसरे आ गए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। भाई कभी कभी क्या होता है कि आप कोई बड़ी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अभी पूरी बिल्डिंग बनी नहीं है, पूरी बिल्डिंग बनी नहीं है, अब इसको बिल्डिंग तो नहीं लिख सकते ना, अगर ये बिल्डिंग बन जाती तो टेंजिबल एसेट में लिख देता, अभी बिल्डिंग अधूरी है, कार्य प्रगति पर है, ये लिखा होता है ना, कार्य प्रगति पर है, स्पेलिंग के लिए माफ कर देना, तो इसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, इसी तरह इनटेंजिबल एसेट भी कभी कभी डेवलपमेंट में होते हैं। भाई आप कोई फॉर्मूला बना रहे हो, ठीक है, आप कोई फॉर्मूला बना रहे हो, अभी फॉर्मूला बना नहीं है पूरा, अभी आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो अभी फॉर्मूला बना नहीं है, जब बन जाएगा तो इंटेंजिबल एसेट कह दूंगा, लेकिन अभी आप उस पर काम कर रहे हो, अभी अधूरा बना है, तो ये भी हमारे लिए क्या माना जाएगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये हो गए हमारे फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सिंपल नाम से ही क्लियर है, नॉन करंट मतलब लंबी अवधि और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करे आपने, लंबी अवधि का निवेश। तो मान लो मेरी कंपनी है, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के 5 साल के लिए, या मैंने मान लो कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया 10 साल के लिए, या मान लो मैंने कुछ और खरीद लिया 20 साल के लिए, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि का निवेश, सिंपल। ये है नहीं अपने 12th के कोर्स में क्लियरली मेंशनड है, हालांकि मैंने नोट्स में फिर भी बता रखा है, बट फिर भी ये पूछेगा नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है ना, तो ये तो हट ही गया हमारा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस क्या होता है भाई, लोन्स एंड एडवांस का मतलब होता है कि आपने किसी को पैसे दिए, लिए नहीं, आपने किसी को पैसे दिए, तो अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसे देते हो किसी को, गोपू तुम्हें मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं 5 साल के लिए रख लो, तो मैंने अगर उसको 5 साल के लिए पैसे दे दिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मैंने गोपू को लॉन्ग टर्म एडवांस दे दिया, या मैंने गोपू को लॉन्ग टर्म लोन दे दिया। तो लॉन्ग टर्म लोन का क्या मतलब है, लंबी अवधि के लिए पैसे देना, तो ये भी सिंपल। और फिर भी कभी कभार कुछ लंबी अवधि वाले एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो इनमें नहीं आ पाते, अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट हालांकि कंपनियों के लिए ज्यादा कुछ होते नहीं है, लेकिन जैसे जिनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, कूड़ा है ना, तो कई बार फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जो हमें राइट ऑफ करने हैं बाद में, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वो भी कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर मिलेंगे हमारे को कंपनियों के केस में। तो इनका नाम है अदर नॉन करंट एसेट, मतलब कुछ और, तो अदर इतने होते हैं नहीं वैसे, ठीक है ना। तो ये हो गए लंबी अवधि के सारे एसेट्स। इसी प्रकार करंट एसेट। अब करंट एसेट में तो कुछ भी नहीं आपको सिखाने योग्य है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ए करंट इन्वेस्टमेंट, भाई करंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, छोटी अवधि का निवेश, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट छोटी अवधि के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, छोटी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मान लो आपने 3 महीने के लिए बैंक में पैसे डाल दिए, या 6 महीने के लिए कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री का मतलब होता है भाई कंपनी चलाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, कंपनी चलाने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस भी चाहिए, कंपनी चलाने के लिए फिनिश्ड गुड्स भी चाहिए, इन सब सामानों को इकट्ठा करके हम इन्वेंट्री बोल देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंपनी चलाने के लिए कुछ लूज टूल्स भी चाहिए, भाई मशीन है तो मशीन में वो पेंच लगा के उसको टाइट करने के लिए पेचकस भी चाहिए, प्लास भी चाहिए, ऐसे कुछ लूज टूल्स भी चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनों के स्पेयर पार्ट्स रखे होते हैं ना भाई, मशीन है, इतनी बड़ी मशीन है फैक्ट्री में, उसका एक पुर्जा खराब हो गया तो पूरी मशीन तो नहीं बदलोगे, तो उस पुर्जे का स्पेयर पार्ट रखा होता है, जैसे हम गाड़ी में स्पेयर टायर रखते हैं कि पंचर हो गया तो बदल लेंगे। तो ये सारी चीजें इन्वेंट्रीज होती हैं, दीज आर ऑल इन्वेंट्रीज। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल तो गोपू ने मुझे पहले ही आंसर बता दिया,
बताओ गोपू, ट्रेड रिसीवेबल क्या सिखाया था 11th में? कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। वेरी गुड गोपू। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं दो बातें भाई, या तो आपके ऑफिस के गल्ले में कुछ कैश पड़ा होगा, है ना, जो ऑफिस का गल्ला होता है, गल्ला मतलब जिसमें दुकानदार नकद रखता है वो, और या फिर आपके पैसे कुछ बैंक में जमा होंगे। तो कैश और बैंक बैलेंसेस को बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात हो गई। उसके बाद ई और एफ कुछ ज्यादा है नहीं। ई में है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। मैंने गोपू को पैसे दिए, गोपू तुम्हें 1 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ दे रहा हूं 5 महीने के लिए। तो अगर मैं किसी को छोटी अवधि के लिए पैसे दूंगा तो उसे बोलता हूं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और अदर करंट एसेट, इसके अलावा भी बच्चों कुछ अदर करंट एसेट हो जाते हैं जो ऊपर की हेडिंग में नहीं आ सकते। भाई जैसे आपने कोई एक्सपेंस पहले एडवांस में पे कर दिया, यानी प्रीपेड एक्सपेंस है ना, तो वो भी करंट एसेट है। या मान लो आपको कोई इनकम मिलनी चाहिए बट अभी तक मिली नहीं, है ना, मान लो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए बट अभी मिला नहीं, जिसको आप बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो ये सब चीजें भी करंट एसेट ही होती हैं, तो इन्हें हम मान लेते हैं ये अदर करंट एसेट्स हैं। तो बस कंपनी के ये हैं सारे एसेट्स। तो अब भेजो एसेट्स के नाम का थम्स अप। ओके ठीक है, तो बस बैलेंस शीट को ब्रेक करना है। ओके एक बच्ची कह रही है सर हेड्स और सब हेड्स याद नहीं हो रहा है, क्या करें? तो एक मैं दवाई बना रहा हूं, वो रात को सोने से पहले लेनी है और नीचे तकिए के नीचे किताब रख के सोना है। 5 दिन में दवा असर कर जाएगी और सारे हेड्स मेन हेड्स सब याद हो जाएंगे। अब देखो बच्चों कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट हैं कि रिजर्व जो है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, एक बार वो देखते हैं। मैंने कहा था ना एक बार लिस्ट आपको दिखा दूंगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में बच्चों सिंपल सी बात है कि किसी भी तरह का रिजर्व हो तो वो आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्युएशन रिजर्व, अदर रिजर्व। और सरप्लस का मतलब देखो, सरप्लस वर्ड का मतलब क्या था कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो जिस भी वर्ड के आगे रिजर्व आ गया वो रिजर्व एंड सरप्लस होता है। बस एक स्पेशल पॉइंट है, ये मैंने नोट्स में भी लिखवा रखा है, स्पेशल तारा लगवाकर इसे लर्न कर लेना, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये नाम से बच्चे को डराने के लिए आता है और बच्चा सोचता है अरे आउटस्टैंडिंग तो ये तो कोई लाइबिलिटी नजर आ रही है, तो ये ध्यान रखना शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब हालांकि ईसॉप आपके कोर्स में नहीं है, नहीं तो मैं बता देता ये क्या है, तो इसीलिए इसकी चर्चा करना मतलब आधा घंटा वेस्ट, तो वो अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे याद रखना है। तो इस पर स्पेशल बॉक्स बना लेते हैं कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व। इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इसके नाम में आउटस्टैंडिंग आता है बट इट इज अ रिजर्व, ये रिजर्व है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चर्चा है बच्चों कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो हमने छोड़ दिया था सर वो क्या था? तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक बड़ी सिंपल सी कहानी है। आपने शेयर्स चैप्टर सभी बच्चों ने पढ़ रखा है कि कंपनी पहले एप्लीकेशन के पैसे मंगवाती है और उसके 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद फिर शेयर्स को अलॉट करती है ना, ये ऐसा होता है, ये तो हमने पढ़ी रखा है शेयर्स के चैप्टर में। तो बच्चों इत्तेफाक देखो कि क्या हुआ कि 25 मार्च को कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे मंगवाए और शेयर्स अलॉट करे कंपनी ने 25 अप्रैल को। ठीक है सर, तो क्या दिक्कत है? तो जब कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे मिलने शुरू हुए, मान लेते हैं कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, तो जब कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे मिलने शुरू हुए 25 तारीख को चिट्ठियां आई, चिट्ठियां आई, चिट्ठियां आई, तो 30,000 रुपए बच्चों कंपनी को रिसीव हो गए। कंपनी को कितने रुपए रिसीव हो गए?
30,000 रुपए एप्लीकेशन के, ठीक है ना? तो पूरे लिख देता हूं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कंपनी को 30,000 रुपए मिले। ओके, 26, 27, 28, 29, 30 के बाद 31 मार्च को बच्चों ईयर का एंड होता है, मुंशी साहब किताबें बंद करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट किताबें बंद करता है कंपनी की। तो सीए ने पूछा मालिक से, ये 30,000 रुपए किस बात के हैं भाई, बताओ ये कहां से आए हैं? सीए ने पूछा कंपनी से कि ये 30,000 किस बात के रिसीव हैं? तो कंपनी क्या कहेगी कि मैंने पैसे तो ले लिए। तो सीए पूछेगा फिर पैसे ले लिए किस बात के, शेयर अलॉट करे तुमने? कंपनी कहेगी नहीं नहीं नहीं, शेयर अभी मैं अलॉट करूंगी बाद में, शेयर अभी अलॉट करूंगी बाद में। तो सीए कहता है तुमने पैसे तो ले लिए एप्लीकेशन के, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट पेंडिंग है। तो अंग्रेजी में क्या लिखोगे, पेंडिंग अलॉटमेंट लिखोगे, कि पैसे तो मिल गए लेकिन अभी तक तुमने अलॉटमेंट करानी है। तो हम कहते हैं अब साहब क्या करें हम? तो सीए कहता है आओ शेड्यूल 3 में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इसे हम अलग हेडिंग में शो करते हैं, इसे हम अलग हेडिंग में शो करते हैं। तो ये अपने आप में एक हेड बन गया। अब समझ आ गई इस पूरी लाइन का मतलब, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो ये मतलब होता है। तो दिस 30,000 रुपए ये कंपनी अलग से शो करती है बच्चों, ये अलग से शो करती है, और अगले साल 25 तारीख को फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये वापस से शेयर कैपिटल बन जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए ये अलग से हम शो करते हैं, इसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा, अब कई बार एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव तो होता है लेकिन वो हमें रिफंड भी करना पड़ता है। ऐसा आपने पढ़ा है ना शेयर्स के चैप्टर में, कि आपने एप्लीकेशन मनी तो ले लिया लेकिन कई बार रिफंड करते हो कि नहीं? एंट्रियों में याद है लिखवा रखा है टू बैंक, रिफंड करते हैं हम। कब करते हैं रिफंड भाई? या तो ज्यादा चिट्ठियां आ गई तो रिफंड करते हैं, या कंपनी ने भाई, या कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला तो रिफंड करते हैं, या कई बार कंपनी रिजेक्ट कर देती है, खुद ही चिट्ठियां रिजेक्ट कर देती है कई लोगों की तो रिफंड करती है, या किसी का एक्सेस इतना ज्यादा आता है कि एडजस्ट करने के बाद भी बच गया तो रिफंड कर देती है। तो मतलब कंपनी को किसी भी रीजन से कई बार पैसा रिफंड करना पड़ता है। तो जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ता है बच्चों, देन इट विल बी नोन एज करंट लायबिलिटी, तब हम उसे करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो ये आपको किताब में दे रखा है, ठीक है ना? किताब से पढ़ लेना, मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। अच्छा, एक टॉपिक जो कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है और वो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग साइकिल। हां सर, ये सुना सुना तो लग रहा है लेकिन हमें याद ये कुछ भी नहीं है। तो ऑपरेटिंग साइकिल में कहानी बच्चों ये है, ये आपको नोट्स में भी बनवाई है, कि ये हमारी दुकान में नकद रखा है, गल्ले में पैसे रखे हैं, उस पैसे से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, 3 महीने लग गए, फिर रॉ मटेरियल में आगे कुछ प्रोसेसिंग हुई, 4 महीने लग गए, फिर वो प्रोसेसिंग होते होते फिनिश्ड गुड्स बन गए, 2 महीने लग गए, फिर वो फिनिश्ड गुड्स को हम बेचेंगे बाजार में तो 4 महीने लग गए, फिर जिन्हें बेचा है वो पैसे देंगे हमें कुछ दिनों बाद, हां सर, और ये पैसे वापस से हमारे गल्ले में घूम के आ गए। तो ऑफिस के गल्ले से पैसा निकला और वापस गल्ले में आया, इस पूरी साइकिल को करते 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 13 महीने का समय निकल गया। तो दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है ना? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट पूछ लेता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये कि कैश ऑफिस में से निकल के वापस ऑफिस में आ रहा है तो इस चक्के को घूमने में कितने महीने लगे, तो 13 महीने लगे, मतलब उदाहरण। तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो भेजो ऑपरेटिंग साइकिल का थम्स अप कि ये पढ़ लोगे। ओके, ठीक है। और मैंने इसका लेक्चर में वो भी करवा रखा है आपको, वैसे एक क्वेश्चन। ठीक है ना?
ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, कई बार बच्चे ये भी इग्नोर कर देते हैं, तो इसकी बात कर लेंगे। एक छोटा सा टर्म है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या होता है? हालांकि इसका मेन हेड है करंट लाइबिलिटी और सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटी, है ना, पहले तो ये याद करने का पॉइंट है, लेकिन अब ये है कि भाई ये है क्या। चलो तो देखो, सुनो ध्यान से भाई, हमने मान लो कंपनी ने एक लोन लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का 5 साल के लिए, और हमने कहा कि ये लोन जो है हम जब 5 साल होंगे तब आपको वापस कर देंगे, रिपे कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी ने आज लोन ले लिया और कंपनी ने कहा कि हम इसको पे करेंगे 5वें साल, मैं ऐसी मतलब उदाहरण बना रहा हूं, मान लेते हैं ये है आज का दिन, और कंपनी ने कहा कि हम जब 5th ईयर में होंगे, यहां पर कहीं होंगे, तब हम इस लोन को रीपे कर देंगे। तो ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, 5 साल के लिए ले रखा है। तो जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो बैलेंस शीट वाले दिन मुंशी की नजरों से देखो, रीपेमेंट अभी भी 4 साल दूर है, तो मुंशी साहब कहेगा इट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। फिर उसके और 1 साल बाद बैलेंस शीट वाले दिन मुंशी की नजरों से देखो, तो मुंशी कहेगा अभी तो तीसरे साल बाद पेमेंट करनी है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। फिर एक और साल बीत गया, बैलेंस शीट वाला दिन मुंशी की नजरों से देखो, मुंशी कह रहा अभी तो और 2 साल बाद पेमेंट करनी है, नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके एक और साल बाद बैलेंस शीट वाला दिन मुंशी की नजरों से देखो, अब मुंशी की नजर से देख के बताओ ये क्या है, मुंशी की नजर से देखो अब बताओ ये क्या है। ओके, वेरी गुड, बस अब आप समझ गए। तो इसी को बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मतलब वैसे तो लोन लंबी अवधि का था, वैसे तो लोन लंबी अवधि का था, ठीक है ना, वैसे तो लोन लंबी अवधि का था, लेकिन अब उस लंबी अवधि के लोन की करंट मैच्योरिटी आ गई है, यानी वो अब 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है। यानी मुंशी साहब को अब नजर आ रहा है, यहां से साफ नजर आ रहा है मुंशी साहब को कि बस अब तो कुछ ही दिनों बाद पैसे देने पड़ेंगे। तो इसे बोल देते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है ना। तो कई बार ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ये पॉइंट कवर करा। ठीक है सर, उसके बाद एक बार प्रोविजन भी देख लो। जिन बच्चों को लगता है भाई प्रोविजन पता नहीं कौन सा आसमानी टर्म है, ये कहां से आ गया, तो प्रोविजन बच्चों आपको नाम से ही दे रखा होगा, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर ये। और एग्जाम्पल देख लो अगर कम पढ़ रहे हैं तो, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर फलाना, प्रोविजन फॉर ढिमकाना, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर शाहरुख खान, प्रोविजन फॉर सलमान खान। तो प्रोविजन में नाम दे रखा होगा प्रोविजन, तो आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है, सारे प्रोविजन नाम से दे रखे होंगे, ठीक है ना। तो कई बार बच्चा सोचता है प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन नाम में ही आ रखा होगा प्रोविजन, बस नो टेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मजेदार चीज, जो 10 में से 9 बच्चे छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, उन्हें लगता है ये, उन्हें तो आधों को तो पता ही नहीं है, 10 में से 5 को तो पता ही नहीं है कि ये भी कुछ है, 5 तो मतलब 5 तो इग्नोरेंस की दुनिया में है, उन्हें तो ये पता भी नहीं कि ऐसा भी कुछ जीव जंतु है, बैलेंस शीट का पार्ट कुछ ऐसा भी है। तो इसे कर लो 100%, इसका एक पॉइंट तो आएगा ही, ये तो कंफर्म्ड है बोर्ड्स के अंदर, तो एक नंबर तो पक्के हो कम से कम। ये नाम है बच्चों क्या, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, इस हेडिंग का। हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही भेजा, इन्हें बैलेंस शीट के अंदर,
इन्हें बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, इन्हें बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, ये बैलेंस शीट के नीचे अलग से, मतलब फुटनोट कह लो या नोट कह लो, अलग से फुटनोट में लिखे जाते हैं। तो इसीलिए ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालते बैलेंस शीट में बच्चों। नीचे तो आप कुछ भी लिख दो, लिख दो कल मैं ताजमहल खरीदने जा रहा हूं, भाई नीचे तो आप कुछ भी लिख दो ना, उससे बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये नीचे बस इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। तो लेकिन एग्जाम के लिए जो हर बच्चे को बिल्कुल घोटे मार के याद करना है वो क्या, कि क्या क्या है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, और एक बार थोड़ा पढ़ भी लेना। मीनिंग तो हालांकि यही होता है कि कंपनी को यह लगता है कि ये हमारे अगेंस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो कंपनी थोड़ा सा अनश्योर होती है उस लाइबिलिटी को लेकर, उसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। और ये है कमिटमेंट्स या कैपिटल कमिटमेंट्स, मतलब आपने किसी को बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए का ये कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा, मतलब इस तरह के कुछ कमिटमेंट्स आपने कर रखे हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल सारे याद करके जाना है विदाउट एनी फेल, तो कर लो अंडरलाइन या याद रखना है। प्रपोज डिविडेंड, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होता है नंबर वन। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट नंबर टू, ये याद रखना है। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये होता है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट एग्जाम में आता है, बच्चे बता ही नहीं पाते, ठीक है ना। प्रपोज डिविडेंड तो चलो हो ही गया। नंबर फोर, अदर क्लेम विच द कंपनी इज कॉन्टिंजेंटली लाइबल, ये बेकार पॉइंट है, छोड़ देना, नो टेंशन। अच्छा, कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स क्या होती है कि कंपनी कहती है हम फ्यूचर में कुछ करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। क्या करोगे बड़ा? एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, भाई आपने कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं जिन्हें अभी एग्जीक्यूट करना बाकी है, जिसमें अभी करोड़ रुपए शायद लग सकते हैं आपके फ्यूचर में, तो ये हो गया। इसके बाद अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड, अनकॉल्ड लाइबिलिटी, ये अनकॉल्ड लाइबिलिटी क्या होता है ये समझ लो। इस बार हम रामू हैं, कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, कंपनी उस 10 रुपए के शेयर को कैसे मंगवाती है? ब्रेकअप में, पहले एप्लीकेशन के 3 रुपए मंगवाती है, तो रामू ने 3 रुपए दे दिए। फिर कंपनी अलॉटमेंट के 4 रुपए मंगवाती है, तो रामू ने 4 रुपए दे दिए। अभी तक कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करी, जिसे आप बोलते हो अनकॉल्ड, अभी तक कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करी। मैं रामू हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं घर पे बैठा हुआ हूं, मेरे मन में क्या ख्याल आएगा, मेरे मन की बातें सोचो। कंपनी 3 रुपए ना जाने कब मंगवा लेगी, मुझे तो नहीं पता। कंपनी ना जाने ये 3 रुपए कब मंगवा लेगी, भाई मुझे तो नहीं पता ना कि कंपनी कल मंगवाएगी, परसों मंगवाएगी, 1 साल बाद मंगवाएगी, 10 साल बाद मंगवाएगी। आई डोंट नो कि कंपनी ये बचे हुए 3 रुपए मुझसे कब मंगवा सकती है। तो मैं इस 3 रुपए को, मैं अपनी किताबों में, मैं इस 3 रुपए को अपनी किताबों के अंदर फुट नोट में शो करूंगा। ये मेरे लिए एक प्रकार से कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी या कमिटमेंट है कि अगर कंपनी ने कल को 3 रुपए मंगवा लिए तो मुझे देने पड़ेंगे। तो दिस इज नोन एज अनकॉल्ड पार्ट, इसे बोलते हैं। तो वो 3 रुपए रामू के लिए क्या है? अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर या अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड, है ना, ये मतलब है। बाकी इसके अलावा अदर कमिटमेंट्स ये छोड़ देना। तो ये बच्चों याद रखना है, दीज आर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। ओके, ठीक है सर। इसके बाद अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट की सारी बातें खत्म होने के बाद फिर आता है कंपनी का पीएनएल। तो कंपनी के बच्चों पीएनएल देखना बहुत ही सिंपल है, ये आप सीख जाओगे एक ही बार में। कॉलम वही 4 हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, वो तो बेकार होता है। अब इसका जो फॉर्मेट है और इसका भी जो आइटम्स हैं वो आपको इसी ऑर्डर में याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले कंपनी देखती है
कि भाई हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कंपनी का प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग जो सोर्स है इनकम, वो क्या है, ठीक है ना। तो भाई अगर मान लो मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, तो मेरे लिए जो भी मेरी कोचिंग रिसिप्ट्स हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानी जाएगी। सीधी बात ये है। तो जिसका जो बिजनेस है उसके लिए उस मेन बिजनेस से आया हुआ पैसा ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अच्छा, मैंने इन सब के उदाहरण लिखवा रखे हैं, वो सब आप लेक्चर से देखना। उसके अलावा अदर इनकम, भाई अदर मतलब हो सकता है मुझे बिजनेस के, मेन बिजनेस के अलावा भी कोई इनकम हो रही हो। भाई मेरा कोचिंग का व्यापार है, लेकिन मैंने अपनी जमीन कहीं किराए पर दे रखी है, वहां से मुझे रेंट मिल गया, या मैंने किसी कंपनी में ऐसी निवेश कर रखा है वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल गया, मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे थे वहां से मुझे डिविडेंड मिल गया, कल मैंने अपना एक फर्नीचर बेच दिया मुनाफे पर, एसेट को बेच के प्रॉफिट हो गया, तो ये सब मेरी कोचिंग की बिजनेस की इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो हर बिजनेस की अदर इनकम भी हो सकती है। अच्छा हाँ, हो सकता है भाई आगे के चैप्टर आप पढ़ो तो थोड़ा सा आरएफओ के बारे में बता देता हूं। ये बेसिकली नेट सेल्स होता है, काइंड ऑफ। नेट सेल्स का मतलब कंपनी की टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं एक तरह से। तो वन और टू को जोड़कर आ जाता है साहब टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया तो आ गया टोटल रेवेन्यू। फिर हम खर्चों की लिस्ट बना लेते हैं कि व्हाट आर द खर्चे, एक्सपेंसेस। तो बच्चों खर्चों की लिस्ट देखो और ये याद रखनी है, खर्चों की लिस्ट है CMC, कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड। मेटीरियल वर्ड पर फोकस करना यहां पर ब्लॉक कर देता हूं। चलो, मेटीरियल का मतलब है रॉ मेटीरियल, यहां पर मेटीरियल का मतलब होता है रॉ मेटीरियल। तो CMC कैसे निकालते हैं, हमारे पास कुछ ओपनिंग में रॉ मेटीरियल होंगे, मान लो 1 लाख रुपए का खाद्य पदार्थ हमारे पास ओपनिंग में था, फिर हम कुछ और खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, परचेज करते हैं रॉ मेटीरियल मान लो 2 लाख के, तो 2 लाख के और खरीद लिए, 1 लाख के पहले से थे 2 लाख के और खरीद लिए, टोटल हो गए 3 लाख के, और क्लोजिंग में रॉ मेटीरियल मेरे पास बचे हुए हैं मान लो 50,000। तो 1 लाख के पहले से थे 2 लाख के और खरीद लिए 3 लाख हो गए, और क्लोजिंग में बचे हुए हैं सिर्फ 50,000, तो 2.5 लाख कहां गए, तो उसे बोलते हैं 2.5 लाख हमने कंज्यूम कर लिए। तो दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड। तो इसका एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखो, ओपनिंग रॉ मेटीरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटीरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मेटीरियल। ओके, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये बच्चों नाम से सीधा क्लियर है, परचेज मतलब खरीद किस चीज की, स्टॉक की, स्टॉक खरीदना, सिंपल। तो ये हमेशा डायरेक्ट ही दे रखा होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस ऑन स्टॉक इन ट्रेड, ये पूरा एक है, कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं है क्या है, ये एक ही टर्म है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री में परिवर्तन, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री में परिवर्तन, और स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन। तो कैसे निकालना है ये परिवर्तन, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सिंपल। तो जितना भी आपके पास ओपनिंग वाला फिनिश गुड्स, ओपनिंग वाला स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग वाला फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस या क्लोजिंग वाला स्टॉक इन ट्रेड। इसमें कई बच्चे गलत करते हैं, इकोनॉमिक्स में उल्टा होता है, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में उल्टा होता है, वहां पर चेंज इन इन्वेंट्री उल्टा होता है बच्चों, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ध्यान रखना ये लेखा शास्त्र में अलग है। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इस पे मैं अलग से आऊंगा तारा। फाइनेंस कॉस्ट, इस पे मैं अलग से आऊंगा तारा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये कोई सिखाने योग्य चीज ही नहीं है, आपके जितने भी एसेट्स हैं टेंजिबल वाले उसकी वैल्यू में गिरावट हुई तो डेप्रिसिएशन, जितने भी एसेट्स हैं इंटेंजिबल वाले उनकी वैल्यू में गिरावट हुई तो अमोर्टाइजेशन, ये तो सीधा सीधा दे रखा होगा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनमें नहीं आते, मान लो लिखा है
कैरेज आउटवर्ड या कैरेज इनवर्ड या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या रेंट, तो कहां लिखोगे इनमें से, कौन से खर्चे में लिखोगे? नहीं लिख सकते, तो बाकी सारे खर्चे आ जाते हैं अदर एक्सपेंस में, ठीक है ना। तो ये हो गया एक तरह से सागर, जैसे सारी नदियां बाद में अंत में जाके, सारी नदियां जो होती हैं बच्चों वो अंत में जाके मिलती तो सागर में ही है ना बस। तो अदर एक्सपेंस मतलब जो भी सब कुछ बच गए खर्चे कंपनी के, वो सारे खर्चे अंत में आके मिलकर अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे। तो बस ये हो गए टोटल खर्चे, तो ये आपके आ जाएंगे टोटल खर्चे। तो बस टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चा माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि भाई हमारी कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो सरकार कहती है बहुत अच्छे, लाओ अब 30% हमें दे दो, मैं ऐसी लिख रहा हूं मनगढ़ंत। तो फिर हमें इस 1 लाख रुपए पर 30% टैक्स देना पड़ता है। तो जब हम सरकार को 30% टैक्स दे देंगे तो प्रॉफिट बचेगा हमारे पास अल्टीमेटली ओनली 70,000 रुपए। तो दिस इज बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हमारे सरप्लस में चला जाता है बैलेंस शीट में। तो पीएनएल का थम्स अप भेजो जी। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये दो तारे देख लेते हैं, वैसे बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस है इनके पीछे, इन दोनों तारों पर बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस है। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस को तो पता है आप कैसे याद करो, नेशनल इनकम चैप्टर में इनकम मेथड पढ़ा है आपने? हाँ सर, उसका एक कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, होता है ना, कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे, तो बस ये वही है, ये वही सेम है। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया अपने आप, ये वही है, सेम ही है। बाकी फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि भाई कंपनी अलग अलग जगह से फाइनेंस का जुगाड़ करती है, कभी डिबेंचर्स को इशू करती है तो पैसा लेती है, कभी बैंक से बोरो करती है तो पैसा लेती है ना। फाइनेंस का जुगाड़ करने के लिए कंपनी अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल करती है, तो उन्हें बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, वो मेरे सगे संबंधी तो है नहीं, तो डिबेंचर वालों से पैसा लूंगा तो इंटरेस्ट पे करूंगा, बैंक से पैसा लूंगा लोन का तो इन्हें इंटरेस्ट पे करूंगा। तो मतलब फाइनेंस कॉस्ट का अर्थ ये होता है कि फाइनेंस का जुगाड़ करने के लिए आप जो भी खर्चा करते हो उस खर्चे को कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। पैसों का जुगाड़ करने के लिए भी बच्चों कभी कभी खर्चा करना पड़ता है। आप जब बड़े होके बिजनेस करोगे अपना, कल को आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बनोगे, तो पैसों का जुगाड़ करने के लिए भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे, तो उसे फाइनेंस कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है सर, तो एक बार दिखाओ सर, चलो तो देख लेते हैं। तो पहले आप एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस देख लो बच्चों, एक कुछ उदाहरण है, वेजेस दी आपने एम्प्लॉई के लिए, बोनस दिया आपने एम्प्लॉई के लिए, लीव एनकैशमेंट दी एम्प्लॉई के लिए, सैलरी दी एम्प्लॉई के लिए, बोनस दिया एम्प्लॉई को, लीव एनकैशमेंट एम्प्लॉई को, स्टाफ वेलफेयर एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन ईसॉप के पैसे दिए एम्प्लॉई को, ये कुछ उदाहरण है, ठीक है ना। ये सब एम्प्लॉई के खर्चे हैं, जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को पे करेगा वो इसमें आ जाएगा। और फाइनेंस कॉस्ट, इसे घर से याद करके जाना, 4 आइटम्स हैं, अच्छे से याद कर लेना। दिखाओ सर जल्दी से। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म्स लोन, ठीक है सर। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है सर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट या कुछ भी, ठीक है सर। और लास्ट वाला तो पक्का करके जाना, ये सब बच्चे छोड़ देते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ठीक है। हम डिबेंचर्स को जब इशू करते हैं डिस्काउंट पर, तो उस डिस्काउंट को कभी कभी हम राइट ऑफ करते हैं, है ना। और आपने डिबेंचर में सीख भी रखी है वो एंट्री, पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट, तो तब भी मैंने पढ़ाया था वो, वहां पे फाइनेंस कॉस्ट लिखवाया था, तो वो ये है बच्चों। तो जो डिस्काउंट आप राइट ऑफ करते हो वो ये है। तो बस ये है बच्चों आपका पूरा का पूरा कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी का पीएनएल। तो एक फाइनल थम्स अप भेजो, मतलब इस बात का कि अब आपको कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल बिल्कुल ऑल ओके हो गई।
ओके।